एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शुक्रवार को पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई का निस्तारण हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी समीक्षा की गई। जो फरियादी ऑफिस में आकर अपना प्रार्थना पत्र देते हैं उसका कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तथा एक रसीद भी दिया जा रहा है और फरियादी का जो प्रार्थना पत्र है उस पर आदेश करके संबंधित अधिकारी को जांच करके आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, जिससे फरियादी को दोबारा कार्यालय न आना पड़े। यदि फरियादी दोबारा कार्यालय आता है तो दिए गए रसीद को लेकर आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसपीसीडी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बंद है क्या? हाँ हाँ बंद। बड़े बाबू शाखा है और सर चैंपियनगंज वाला वही दिखा रहे हैं सर, जहाँ जो डेप सपोर्ट ये वाला सर सीओ ऑफिस सर वही ट्रैफिक साहब के लिए क्राइम मैन के दो दिन है उन्हीं के लिए सीओ ऑफिस पी सी ओ यार ऐसे कर लीजिए जब तक हम बैठे हैं तब तक उनको बैठने की जरूरत है नौ अधिकारी बिजली कनेक्शन होना था सर, ठीक है सर मत बेटर देन दिस और नए तरीके से तब बन भी जाएगा तो साल बजे ये नहीं बनेगा तो अभियोजन देखिए जन शिकायतों का निस्तारण और जन सुनवाई गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जन सुनवाई की जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है और उसमें जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं उसकी आज समीक्षा की गई है। जो भी फरियादी यहाँ पर आते हैं अपना प्रार्थना पत्र देते हैं उनको रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्यूटराइज की जा रही है और उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी उनको दी जा रही है। जो प्रार्थना पत्र है उनके ऊपर एंडोर्समेंट करके संबंधित अधिकारी को जांच के लिए दिया जा रहा है। समय अवधि में निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्वक और मेरिट के आधार पर सही निस्तारण हो, उसकी फीडबैक आए और प्रार्थी को बार बार यहाँ ना आना पाए इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि प्रार्थी किसी कारण से उसको दोबारा आना पड़ता है तो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप उसको दी गई है उसी के आधार पर पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा।